मैं स्वरूप राजपेत फ्रॉम खेड़ापा जोधपुर। सो शुरू करते हैं हम अपने बब्बर शेर निर्मल सर की बात से, जिन्होंने इस उत्कर्ष मंच को तैयार किया है कि ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। सर, अब हमने ठान लिया है कि हम अपनी मंजिल को उसकी औकात दिखा के रहेंगे, क्योंकि उत्कर्ष इज हियर सो नो नीड टू फियर। उत्कर्ष आज इंडिया के कोने कोने में अपना बिगुल बजा रहा है। क्या गाँव, क्या ढाणी, क्या शहर। उत्कर्ष ने जो ऑफलाइन के साथ साथ डिजिटल शिक्षा में जो क्रांति लाई है ना, वो अद्भुत और सराहनीय है। उत्कर्ष ऐप के फीचर्स से तो हम भलीभांति अवगत हैं। ऐप में क्लासों को हम कई बार देख सकते हैं। इसके अलावा उत्कर्ष में वीडियो जो लेक्चर्स है उसमें क्वालिटी और स्पीड का भी ऑप्शन है। इसमें ई नोट्स, PDF, क्वीज, वीकली टेस्ट और जो फ्री करंट अफेयर्स की क्लासें चल रही हैं वो सब तो हमें पता ही है। इसके साथ साथ जो सर ने अब 22 मार्च से जो अद्भुत पहल शुरू की है कि हमें रिकॉर्डेड क्लासों के साथ साथ लाइव क्लासें भी हमें उपलब्ध करवाई जाएगी, वो तो हमारे लिए सोने पर सुहागा जैसी बात होगी। बहुत ही कम कीमत पर जो हमें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल रही है, वो तो इसे कहते हुए तो हमारा ही सौभाग्य है। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फाइनेंशियल कंडीशन या फिर फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाते ऑफलाइन क्लास अटेंड करने के लिए जोधपुर। इसके लिए तो उत्कर्ष ऐप एक वरदान है, जड़ी बूटी है, रामबाण। ईश्वर का वरदान से याद आया कि हम ईश्वर को पूछते हैं, उन पर श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी मुसीबत में सहायता करेगा, वो हमेशा हमारे साथ खड़ा है, हमें कुछ नहीं होने देगा। वैसा ही विश्वास हमें उत्कर्ष के साथ जुड़ गया है कि उत्कर्ष हमेशा हर प्रॉब्लम में हमारे साथ खड़ा। इसलिए उत्कर्ष हमारे लिए एक ईश्वर के वरदान या ईश्वर से कम नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं तो उत्कर्ष हमारी उंगली थामे खड़ा है। अब हम अपने सपनों को देख नहीं रहे हैं, अब हम अपने सपनों को जी रहे हैं उत्कर्ष के साथ में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जिनका है कि शिक्षा ही संपूर्ण जीवन है। इस प्रकार देखते ही देखते उत्कर्ष हमारा संपूर्ण जीवन बन चुका है। अंतिम लाइन में मैं कुमार गौरव सर की लाइन के साथ कहना चाहती हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने मज़ा भी आएगा। तो अब हम अपनी मंजिल को उसकी औकात दिखा के रहेंगे, क्योंकि डीजे तो पड़ोसी के घर के आगे ही बजाना है। इसलिए मेरे सभी भाई बहनों से मेरी अंतिम में यही रिक्वेस्ट है कि उत्कर्ष ऐप के साथ जुड़िए और उत्कर्ष परिवार का सदस्य बनिए और अपने परिवार और अपने माँ बाप के सपने को साकार कीजिए व अपने जीवन की ऊँचाइयों को हासिल कीजिए। थैंक यू।